सर मेरा नाम नीरज। नीरज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में किस जिला क्या पड़ता है आपका? दुर्ग जिला सर। दुर्ग से बोल रहे हैं? यस सर। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। सर मेरा जन्म की तिथि है 9 अप्रैल 1985। 9th of April 1985। समय बताइए। सुबह 5:55 पर सर। 5:55 AM। यस सर। प्लेस दुर्ग में जन्म हुआ है? हेलो। हाँ सर दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्ग में जन्म हुआ है? 19 क्या? हाँ जी 9 अप्रैल 1985। 9th of April 1985। 5:55 मॉर्निंग दुर्ग में जन्म हुआ छत्तीसगढ़ में। क्या प्रश्न है नीरज जी आपका? मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मेरे साथ नौकरी कब तक लगेगी, और अगर नौकरी लगेगी तो सर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है कि मैं हायर पोस्ट चाहता हूँ सर जी मिले। अभी कुछ करते हैं आप? इंजीनियरिंग कम्प्लीट है और मैं MBA करना चाह रहा था सर, तो अभी पूछना चाहता था कि मैं ये करूँ और कोई अच्छा सा गुड स्टोन सर जी। अब देखिए इनका भी आज पर जितनी पत्रियां आ रही हैं उनके गुरु नीच का आ रहा है जी। इनका भी गुरु नीच का है जी, जी। तो नौकरी सरकारी नौकरी थोड़ा मुश्किल है, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करें। नौकरी इनकी 2 साल बाद ही लगेगी, तब तक इनको कोई छोटा काम अपना शुरू कर दें और ये छोटे पोजीशन से बड़े में राइज करेंगे, 2 साल बाद नौकरी लगेगी। और मेरे हिसाब से इनको उपाय जो करना चाहिए, ये 8वें घर में स्कॉर्पियो में चंद्रमा है इनका, तो इनको एक अष्ट धातु की अंगूठी जी मिडिल फिंगर में पहने, उससे फायदा होगा। अष्ट धातु की अंगूठी बीच की उंगली में पहनिए। सरकारी नौकरी का संभावनाएं थोड़ी कम है, तो किसी छोटी जॉब से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। वहां से आप धीरे धीरे क्रमशः प्रगति की तरफ जाएंगे और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं जो SMS के माध्यम से जुड़े, राजस्थान से। इनका नाम है तेजू काकन और इन्होंने जन्मतिथि है 14th of August 1964, 14 अगस्त 1964, 5 बजे सुबह जन्म हुआ है, जयपुर में, जयपुर राजस्थान। और ये कहते हैं इनका मोबाइल का लास्ट डिजिट है 4714, नाम है तेजू काकन। और ये पूछते हैं कि मेरा भाग्य कैसा है, मुझे आज तक सफलता किसी भी काम में नहीं मिली, क्या कोई उपाय है तो बताएं, और यदि कोई रत्न भी मैं पहनूं तो कैसा रहेगा, लक्ष्मी जी मेरे जिंदगी में कब आएंगी, मुझे उनका इंतजार है। ये आपके आपसे संबंधित प्रश्न। इनका भी देखिए इनको जो अपना दिमाग को अपना ठीक करना चाहिए। इनका चंद्रमा जो है वो नीच राशि की तरफ जा रहा है। ये साल इनके लिए बहुत ही कष्टपूर्ण साल है, ध्यान से निकालना चाहिए। अगले साल अच्छा है और अगले साल के उसके बाद जो 2 साल है इनके पास जितना धन है उससे ज्यादा ही आएगा जी। और सूर्य नमस्कार करें, इनको फायदा होगा। सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको लाभ होगा और 2 वर्ष बाद आपके धनागम के संकेत बनते हैं। आप परिश्रम कीजिए, निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। एक SMS और हमें भी मिला है, नाम है पंकज। इनकी जन्मतिथि है 22 सितंबर 1984। देखिए सितंबर जन्म के भी बहुत हमारे पास आज प्रश्न आ रहे हैं, जिनका जन्म सितंबर में हुआ है। 22 सितंबर 1984 समय है 21:30, 21 विसर्ग 30, और जन्म हुआ है पौड़ी गढ़वाल, 21:30 पौड़ी गढ़वाल में जन्म हुआ उत्तराखंड में। मोबाइल का लास्ट डिजिट है 8141, नाम है पंकज। पूछना चाहते हैं कि क्या ये विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और दूसरा सवाल साथ साथ लिखा है कि क्या इनके लिए सिनेमा में काम करना उचित होगा या नहीं। इनकी पत्री अच्छी है जी और थोड़े इमोशनल भावुक नेचर के आदमी है। विदेश जाने की संकेत तो कम है, मगर फिल्म लाइन या कम्युनिकेशन लाइन से जुड़ी हुई लाइन में ये काम करेंगे तो इनको फायदा होगा। सिनेमा की दुनिया में आपका स्वागत हो सकता है, आप चमक सकते हैं, आपके सितारे आपका साथ देंगे, तो निश्चित रूप से आप एक कामयाब फिल्मी कलाकार के रूप में भी इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। विदेश जाने की संभावनाएं थोड़ी सी क्षीण है, कोशिश कीजिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आशुतोष जी बागपत से, उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। आशुतोष जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 2 अगस्त 2nd of August 1997। हाँ जी ओके, समय बताइए। 97, अभी तो आप छोटे हैं यानी 11 साल के हैं। हाँ जी, नहीं आप... नहीं 77। हाँ वही ना, मैंने कहा 97 तो 77 ना 8576, ये दो अगस्त 76
76। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़े आशुतोष जी क्या बात है, आप बड़े कंफ्यूज हैं अपनी जन्मतिथि के बारे में। डिस्टर्ब चल रहा हूँ सर, 2 साल से डिस्टर्ब चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ये आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो डिस्टर्बेंस है, उसके समाधान का ही ये कार्यक्रम है। उसके समाधान के लिए ही डॉक्टर शंकर अडावल जी को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। अपने जन्म का समय बताइए जी। सुबह 4 बजे। 4 बजे प्रातः। जन्मस्थान? जन्मस्थान ककड़ीपुर। जन्मस्थान कहाँ पे? ककड़ीपुर। ककड़ीपुर जिला बताइए। डिस्ट्रिक्ट बागपत। बागपत उत्तर प्रदेश। जी जी, जी। अभी प्रश्न कीजिए, क्या प्रश्न है आपका? मुझे मेरे भैया थे पहले साल, उनको पैरालिसिस हो गया था, और अब मेरी वाइफ को बिल्कुल कभी बीमार नहीं हुई 6 साल के बाद, और अभी ब्रेन अटैक हुआ, उसमें सर में दर्द बहुत रहता है, तो घर में सब बीमारी का माहौल चला हुआ है, सब डिस्टर्ब है सर। भाई देखिए, ये साल जो है आपका बहुत ही खराब है। आप इस साल का अभी 3 महीने बचे हैं, 3-4 महीने काट लीजिए। अगले साल से टाइम अच्छा है, तो ये जो टाइम है इनको काटना जरूरी है, और अगले साल इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े टेंशन हैं, वो कम होंगे। और अगर ये शिव जी के लिंग में ये चावल और दूध मिलाकर ये 18 सोमवार चढ़ाएं, उसमें फायदा होगा। 18 सोमवार तक आपको चावल और दूध मिश्रित करके शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए, आपको लाभ होगा। और ये वर्ष थोड़ा सा नर्म है, इसका ख्याल रखिए, लेकिन अगले वर्ष के बाद कुछ ना कुछ सुधार निश्चित रूप से होगा। इस उपाय पर अमल करिए, आपको फायदा होगा। जिन लोगों ने भी इन उपायों को अमल में लाया है, हमारे पास वापस में आने वाले SMS इस बात के प्रमाण है कि उन लोगों की जिंदगी में इस बात से फायदा और लाभ पहुंचता है। ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी के सितारों की चाल को बदल सकते हैं और आपकी जो वास्तविक हाल है उसको बदल सकते हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप हमसे जुड़े रहिए, अपने प्रश्न हमसे पूछिए, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी आपके प्रश्नों का सीधा जवाब आपको देंगे। आप अपने SMS भी हमें भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी यानी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल, अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल का। भृगु नाड़ी ज्योतिष में आपका पुनः स्वागत। आप अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल जी स्टूडियो में विद्यमान हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का धनार्जन कैसे हो, लक्ष्मी का आगमन कैसे हो, आप धनवान कैसे बने, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आपकी कुंडली में ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि आप कितने धनवान होंगे, या धन कब तक आपकी छत्र छाया में रहने वाला है। मित्रों हमसे जुड़े रहिए, हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स, हमारे नंबर आप जानते ही हैं, हमें SMS भी भेजिए। SMS के माध्यम से हमारा आपका साथ हो सकता है, आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, अभी भेजिए 57575 पर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बहुत देर से, सुरेंद्र ओबराय अंबाला हरियाणा से, उनको शामिल करते हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न ये कि मैं पिछले 3-4 साल से इंश्योरेंस लाइन में था। अब उससे पहले आप अपनी डिटेल हमें बताइए तो हम ठीक से बता पाएंगे। जन्मतिथि, जन्म का समय और स्थान। हाँ जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/2/1975। 3 फरवरी 1975। हाँ जी, और समय है शाम के 5:25। 5:25 PM। हाँ जी, और प्लेस बताइए। प्लेस है सर रांची। रांची? हाँ जी रांची, RANCHI, रांची बिहार। हाँ जी रांची बिहार सर। जी अभी प्रश्न कर सकते हैं आप। हाँ सुरेंद्र जी, मेरा प्रश्न ये कि मैं पिछले 4-5 सालों से इंश्योरेंस लाइन में हूँ। जी हेलो, पिछले 4-5 सालों से मैं इंश्योरेंस लाइन में काम कर रहा था जी, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से मेरी नौकरी नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं मुझे कब तक नई नौकरी मिलेगी, और क्या मैं इसी लाइन में ट्राई करूँ या मैं किसी और प्रोफेशन में जाऊँ। 3-4 साल देखिए, इनका भी ये साल, इनका भी ये साल जो है बहुत ही खराब समय है, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना 12 साल में एक साल बहुत खराब आता है जी, तो वो समय अगले साल अच्छा है। इनको इंश्योरेंस लाइन में नहीं, मगर कोई ब्रोकरिंग, मतलब यू नो जैसे कि मिडलमैन कमीशन का काम अगले साल इनको मिलेगा, ये करें, उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्थिति इनकी ठीक हो जाएगी। और अगर ये वहां पर है कि नहीं, भैरव का मंदिर में शनि काल के टाइम, राहु काल जब शनि को पड़ता है शनिवार के दिन, उस टाइम जाके हाथ नमस्कार करें, फायदा होगा। भैरव काल में आप शनि मंदिर में जाकर नमस्कार कीजिए, आपको लाभ होगा, और थोड़े समय बाद आपकी जो ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी। ये वर्ष